तो यार आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वन पंच मैन के वो रिवाइज चैप्टर जो कि अभी रिसेंटली एक दो हफ्ते में रिलीज हुए हैं, और रिसेंट चैप्टर तो कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुआ है। अब वैसे तो मैं इन चैप्टर्स को कवर नहीं करने वाला था, क्योंकि पहले ही मैं ओरिजिनल चैप्टर कवर कर चुका हूं, और उन चैप्टर से काफी हद तक सिमिलर होने वाले थे ये चैप्टर्स। लेकिन यार जो चेंजेस हुए हैं इन चैप्टर्स में वो काफी बड़े बड़े हैं। लिटरली सैटामा की आइडेंटिटी रिवील हो गई है, और जो निंजा लीडर था उसको पहले से काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लिटरली कॉस्मिक गारो से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पता मुझे क्या लगी, कि गारो और सैटामा की जो फाइट हुई थी काफी ज्यादा ठंडी चलने लगी थी वो फाइट। युसुके मुराटा ने वो फाइट बीच में ही रोक के फिर से रीड्रॉस किए थे, और हमें देखने को मिला था कॉस्मिक गारो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सेम चीज निंजा लीडर के साथ भी होने वाली है, उसको भी काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया जाएगा। और इसी चीज का साइन हमें रिसेंट चैप्टर में दिख गया है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार रिवाइज्ड चैप्टर की शुरुआत उसी पॉइंट ऑफ टाइम से होती है जब सोनिक एक वीरान बिल्डिंग में अकेले रेस्ट कर रहा होता है, और तभी वहां पर होती है एंट्री इन दोनों बंदों की, और इन्हीं के साथ साथ वहां पर एंट्री होती है हेवली निंजास की। वो सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं, सोनिक से लेटर लिखवाते हैं फ्लैशी फ्लैश के लिए, निंजा लीडर के बारे में बताते हैं कि कैसे वो ठीक हो चुका है और फिर से इस दुनिया पे कब्जा करने आने वाला है, और ऐसा करके वो हेवली निंजास का ग्रुप वहां से चला आता है। एंड सेम एज ओरिजिनल चैप्टर हमें इसी के बाद सीन दिखाया जाता हीरो एसोसिएशन का, जहाँ पर की ब्लास्ट होता है, स्ट्रेच होता है, और इन दोनों से फ्लैशी फ्लैश सैटामा और मोना को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज ये था कि इस बार सैटामा ब्लास्ट को पहचान जाता है, और ब्लास्ट भी सैटामा को पहचान जाता है, जिसके दौरान सैटामा सबसे पहले ब्लास्ट से बोलता है थैंक यू फॉर दैट डे, हमें इतनी गहराई से इतनी जल्दी ऊपर पहुंचाने के लिए। जिसके रिप्लाई में पहले तो ब्लास्ट ही बोलता है कि नहीं नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरा काम था। लेकिन इसी के बाद ब्लास्ट ये भी बोलता है कि वैसे मैं तुम्हारी एबनॉर्मल स्ट्रेंथ देख के काफी शॉक हुआ था, अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ पर आ गए मिलने मुझसे, क्योंकि मैं भी तुमसे मिलने आ नहीं वाला था। जिस पर फ्लैश फ्लैश भी ले अच्छा है ठीक है तुम भी इसके टैलेंट को पहचान गए, लेकिन सैटामा ने पहले ही कमिटमेंट दे दी है, तो तुम्हें पहले उससे पूछना पड़ेगा जिसको कि सैटामा ने कमिटमेंट दी है, यानी उससे जिस पर सैटामा भी ले कब दी वे। अब एबनॉर्मल स्ट्रेंथ तो सैटामा की कभी भी देखी जा सकती है ना, तो मुझे लग रहा था जब सैटामा मॉन्स्टर गारो से फाइट कर रहा था ना तब की स्ट्रेंथ देखी होगी ब्लास्ट ने, लेकिन स्टिच या फिर सिच जो भी है ये बोलता है शॉक्ड फेस के साथ हे कैप डाल्डी ब्लास्ट ने वेरीफाई किया कि तुम ही हो जिसने की मॉन्स्टर गारो को हराया था। जिस पे अपना टकलू भी बोल देता है कि हाँ हाँ ये भी मुझसे बहुत पीछे लग रहा है कि तुमने ही हराया था कॉस्मिक गारो को ये और वो, लेकिन मुझे जरा सा भी याद नहीं है किस बारे में बात चल रही है। जिस पे सिच भड़क जाता है कि आर यू सीरियस तुम्हें जरा सा भी याद नहीं है, तुमने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, प्लीज रिट्रेस योर मेमोरी और कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश तो करो बिकॉज इट्स अर्जेंट। जिस पे सैटामा लाइक अरे 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 बड़ो भड़क क्यों रहे मुझ पे, अरे तुम्हारे कहने से तुरंत चीजें याद थोड़ी आ जाएंगी मुझे, और वैसे भी वो मैटर तो पहले ही सॉल्व हो चुका है तो उस पे इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। जिस पे सिच बोलता तो नहीं है कुछ लेकिन सोचता जरूर है कि हाउ रिडिकुलस रिजॉल्वड, इसे पता भी है ये किस बारे में बात कर रहा है, कितनी खतरनाक कैलेमिटी थी कॉस्मिक गारो। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि सिच को पता चलता है सारी चीजों के बारे में सैटामा के बारे में ब्लास्ट के थ्रू, और हमें ये दिखाया जाता है कि ब्लास्ट कॉस्मिक गारो के अपीयर होने से पहले ही वहां पे पहुंच चुका था और सारी फाइट देख चुका था सैटामा की। और ये चीजें जब सिच को पता चलती है ना तो वो शॉक तो होता है लेकिन इस बात को मान जाता है, क्योंकि ब्लास्ट पहला नहीं था जिसने की सैटामा के बारे में यानी केप डिवाल्डी के बारे में ऐसा कुछ कहा था। याद है ना तुम सबको, जेनोस भी ये चीज पहले ही रिवील कर चुका है, इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लेकिन स्टिल सिच ब्लास्ट से पूछता है व्हाट ऑन अर्थ इज केप डिवाल्डी, तो इस पे ब्लास्ट पता है क्या जवाब देता है, आई डोंट नो आई कुडंट सी द बॉटम एट ऑल। यानी ब्लास्ट उस फाइट में सैटामा को गौर से देखने के बावजूद उसकी लिमिट को पहचान ही नहीं पाया, यानी उसे सैटामा की पावर्स का फुल एक्सटेंट मिला ही नहीं। लेकिन इसी के बाद ब्लास्ट ये भी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि ये चीज हम बाद में भी फाइंड कर सकते हैं, और वैसे भी उस बंदे का नेचर और उसका इंटेंट इवल नहीं है, तो फिलहाल के लिए अगर हम उसे फ्री छोड़ते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने। जिस पे सिच भी लाइक कि हाँ 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 हम फिलहाल के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो हमारे पीछे डीमन साहब और आएगा। बट इसी के बाद सिच एक और क्वेश्चन पूछता है ब्लास्ट से कि ब्लास्ट तुम्हें क्या लगता है यही इंसिडेंट था क्या जिसके की बारे में प्रोफेसी में बताया गया था कि पूरी अर्थ खतरे में आएगी, तो इस पे ब्लास्ट क्लियरली बोल देता है नो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि गारो से भी बहुत ज्यादा खतरनाक अपोनेंट जल्दी अपीयर होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है निंजा लीडर की। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पर की फ्लैश फ्लैश इन्हीं बातों के बीच ब्लास्ट से बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, अब बहुत कर ली बड़ाई तुमने मेरे स्टूडेंट की, सबसे पहले तुम ये बताओ कि गॉड
जिस चीज से तुम फाइट कर रहे हो इतने सालों से वो आखिर है क्या चीज। जिस पे पहले तो ब्लास्ट चुप, लेकिन वो समझ जाता है कि फ्लैशी फ्लैश क्यों उससे ऐसा सवाल पूछ रहा है। एंड द रीजन इज कि फ्लैशी फ्लैश उसके साथ फाइट करना चाहता था गॉड से, लेकिन ब्लास्ट साफ इनकार कर देता है कि नहीं, अगर तुमने मेरे साथ फाइट की गॉड से तो तुम 100% मारे जाओगे। जिस पे भैया अपना फ्लैशी फ्लैश तुम्हें पता ही है कैसा है, वो ये बोलता है ब्लास्ट से, अच्छा जी एक बार तुमने मुझे सरप्राइज क्या कर दिया अपनी स्पीड से, तुम क्या अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग समझ रहे हो, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस गॉड को अपने स्लैशेस से छल्ली छल्ली ना कर दूं। जिस पे सैटान भी लाइक ऐसा क्यों भाई। तो इस पे फ्लैश वही कहानी बताता है जो कि ओरिजिनल चैप्टर में उसने सैटामा और ब्लास्ट को बताई थी कि कैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज में उन सबको ट्रेन करा जाता है, इंसानों की तरह ट्रीट ही नहीं करा जाता था, कैसे उसने पहली बार एम्प्टी वर्ड यानी निंजा लीडर को देखा और उसी के बगल में वो क्यूब भी रखा था। और अकॉर्डिंग टू फ्लैश वो जो ट्रेनिंग फैसिलिटी थी ना जहाँ पर की निंजा प्रोड्यूस करे जा रहे थे, वो गॉड की पावर को झेलने वाले बंदों को प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी थी। और इतना सब कुछ बोलने के बाद, बताने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, जब वो ब्लास्ट से बोलता है कि मैंने सही कहा ना ब्लास्ट, ऐसा ही है ना, तो इस पे ब्लास्ट थोड़ी देर के लिए अगेन चुप। चुप होने के बाद वो ये बोलता है कि हाँ हाँ मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन स्टिल मैं तुमको फाइट नहीं करने दे सकता क्योंकि फ्लैशी फ्लैश की जान का खतरा तो है ही, साथ ही साथ वो जो निंजा लीडर है यानी एम्प्टी वर्ड वो ब्लास्ट का दोस्त रह चुका है। जो सुनके फ्लैशी फ्लैश कम्प्लीटली सरप्राइज। और इसी के बाद ब्लास्ट क्लियरली ये बोल देता है कि वो जो निंजा लीडर था जब वो मॉन्स्टर नहीं बना था तब भी वो अराउंड ब्लास्ट के जितना ही पावरफुल था, लेकिन गॉड की पावर्स लेने के बाद वो कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, लेकिन स्टिल समहाउ काफी टाइम पहले ब्लास्ट उसको डेडली डैमेज देने में कामयाब हुआ था, इसलिए इतने सालों से वो आया नहीं है ब्लास्ट से फाइट करने। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे हमें ओरिजिनली दिखाया जा रहा था ना कि ब्लास्ट कितना ज्यादा पावरफुल है निंजा लीडर से, ऐसा है नहीं। और इसी वजह से शायद ब्लास्ट फ्लैशी फ्लैश से मना कर रहा है उसके पीछे जाने की, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की, लेकिन स्टिल फ्लैशी फ्लैश मानता नहीं है और वो एम्प्टी वर्ल्ड के पीछे जाएगा, उसे हराने की कोशिश करेगा, इनफैक्ट गॉड के बारे में जानने की भी कोशिश करेगा, ये चीज क्लियरली बोल देता है ब्लास्ट से। लेकिन उन दोनों की इसी अनबन के बीच सैटामा रोल पड़ता है, पर तुम अपने पार्टनर के साथ करना क्या चाहते हो बड़ो। लिटरली सैटामा हमेशा ब्लास्ट को बड़ो बोलता है, कभी भी उसने नाम नहीं लिया ब्लास्ट का। खैर इसके बाद जब ब्लास्ट कुछ बताने ही वाला होता है तो तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है दैट दे आर रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट था वही जो कि हमने ओरिजिनल चैप्टर में देखा था, यानी मॉन्स्टर्स को वापस इंसान बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना ये हीरो एसोसिएशन वाले। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट को रिव्यू करने आया हुआ था ब्लास्ट। और तुम्हें पता ही है इसके बाद ये रिवील होता है कि मॉन्स्टर्स को इंसान में बदलने के लिए उनकी साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी किसी भी मॉन्स्टर के मन में इंसान में बदलने की इच्छा होनी चाहिए तभी बदल सकता है वो। और शायद यही रीजन है कि गारो मॉन्स्टर गारो से इंसान में बदल गया। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद फ्लैशी फ्लैश एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक चीज पूछता है ब्लास्ट से, क्या तुम उसको जिंदा कैप्चर कर भी पाओगे इंसान में बदलने के लिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि फ्लैशी फ्लैश अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तो यार ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद फ्लैशी फ्लैश सैटामा और वहाँ पे प्रेजेंट सब लोग समझ गए थे कि ब्लास्ट क्या प्लान कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि फ्लैशी फ्लैश के इस क्वेश्चन का जवाब देता ब्लास्ट, अचानक से यूं समझो ब्लास्ट के दिमाग में एक घंटी बजती है एक अलर्ट की तरह, और वो तुरंत ही लिटरली पूरे हीरो एसोसिएशन की जो पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी उस पूरी बिल्डिंग को टेलीपोर्ट कर देता है, जस्ट लाइक उसने सैटामा और फ्लैशी फ्लैश को किया था मॉन्स्टर एसोसिएशन के दौरान। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हीरो एसोसिएशन की तरफ यानी उसकी जो बिल्डिंग है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा अटैक बढ़ रहा था, और वो अटैक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था तुम इस पैनल में देख ही सकते हो। और इस पैनल को देखने के बाद हम सबको क्लियर हो ही जाता है कि निंजा लीडर जो है से काफी तगड़ी फाइट होने वाली है, जो कि शायद गारो वाली फाइट से ज्यादा अच्छी तो नहीं लेकिन उसकी बराबरी जरूर कर लेगी। खैर जो भी है इसके बाद ब्लास्ट वापस उस हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग को ले आता है और वहां पर वापस ला के रख देता है, जैसे कि वो एक खिलौना है उसके लिए, उठा के कहीं और ले गया और वापस रख दी। अब ब्लास्ट और सैटामा के लिए तो नॉर्मल था, लेकिन फ्लैशी फ्लैश सिच मोनाको या फिर मोनाका जो भी है ये तीनों काफी ज्यादा शॉक्ड थे और घबरा गए थे भाई साहब इतनी डिस्ट्रक्शन देख के, क्योंकि यार इतना बड़ा अटैक अगर सरप्राइजिंगली तुम पे हो तो कौन नहीं घबराएगा। खैर जो भी है इसके बाद ब्लास्ट बताता है कि शायद एम्प्टी वर्ड रिकवर कर चुका है उसके डैमेज से, हील कर चुका है कम्प्लीटली, और ये अटैक उसके हेलो करने का तरीका है। जिस पर सिच की फटके चार, बंदा इतना ज्यादा घबरा जाता है कि भैया अब क्या करेंगे। इनफैक्ट फ्लैशी फ्लैश के भी पसीने छूट जाते हैं ये देख के कि इतना खतरनाक अटैक निंजा लीडर का था। अब मुझे लगता है कि बंदा अपना प्लान बदल ही लेगा निंजा लीडर के पीछे जाने का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन सैटामा अलग ही चीज के लिए क्यूरियस था, वो ये पूछता है ब्लास्ट से, क्या तुम इस फाइट को जीत भी पाओगे बुढ़ाऊ। तो उस पे ब्लास्ट भी लाइक वेल देखा जाएगा वो सब तो, लेकिन मैंने भी कुछ कम ट्रेनिंग नहीं की है इतने सालों से, मतलब समझ रहे हो ब्लास्ट सिर्फ कॉन्फिडेंट है, कंफर्म उसे भी नहीं है कि वो जीत सकता है कि नहीं।
और इसी के साथ ये धांसू चैप्टर खत्म हो जाता है। सही में यार, अब कुछ मजा आ रहा है वन पंच मैन मांगा में, नहीं तो यार पहले तो बोरिंग ही चल रही थी। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हेलो।